आज आईपीएल 2020 का मैच उन दो टीमों के बीच था जो कि टेबल के टॉप पर है। हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच की। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। अब पहले बैटिंग करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर के अंदर 164 रन बना डाले 6 विकेट खोकर। अब जवाब में आई मुंबई इंडियंस ने। यह स्कोर 20वें ओवर की पहली गेंद पर 166 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। बात करेंगे दोनों ही टीमों के बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस की, लेकिन उससे पहले सूर्य कुमार यादव की बैटिंग आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो अवश्य ही करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस की। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से ओपनिंग करने उतरते हैं देवदत्त पडिक्कल और जोस फिलिपी। देवदत्त पडिक्कल जहां 45 गेंदे खेलते हुए 74 रन बनाते हैं तो वही जोस फिलिपी 24 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन बनाते हैं, लेकिन इनके बाद विराट कोहली 14 गेंदे खेलते हुए 9 रन ही बना पाते हैं। वही एबी डिविलियर्स 12 गेंदे खेलते हुए 15 रन बनाते हैं। वही शिवम दुबे 6 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन, क्रिस मॉरिस 2 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन, गुरकीरत सिंह 11 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन, वही वॉशिंगटन सुंदर 6 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाते हैं। यानी कि कह सकते हैं ओपनर्स के अलावा कोई भी 30s के पार नहीं पहुंच सका और यही वजह रही कि 20 ओवर में 164 रन ही आरसीबी बना सकी। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की। तो मुंबई की तरफ से बुमराह को 3 विकेट हासिल होते हैं 4 ओवर के अंदर महज 14 रन देकर और एक मेडन ओवर भी डालकर। वही ट्रेंट बॉल 1 विकेट लेते हैं, राहुल 4 और किरण पोलार्ड भी 1-1 विकेट लेते हैं। बात कर लेते हैं अब मुंबई इंडियंस के बैट्समैन की। तो मुंबई के तरफ से क्विंटन डीकॉक और ईशान किशन ओपनिंग करने उतरते हैं। हालांकि ओपनिंग अच्छी नहीं रहती है। क्विंटन डीकॉक जहां 19 गेंदे खेलते हैं और 18 रन ही बना पाते हैं तो भाई ईशान किशन 19 गेंदे खेलते हैं और 25 रन ही बना पाते हैं, लेकिन इनके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव जो कि 43 गेंदों का सामना करते हुए 79 रन बना डालते हैं। वहीं सौरभ तिवारी 8 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाते हैं। कुणाल पांड्या 10 में 10 रन बनाते हैं। हार्दिक पांड्या 15 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन बनाते हैं और किरण पोलार्ड 1 ही गेंद खेलते हैं और चौका मारते हैं और बाद में सूर्य कुमार यादव 20वें ओवर की पहली गेंद पर चौका मारकर मैच को जीता देते हैं। बात करते हैं आरसीबी के बॉलर्स की। तो आरसीबी की तरफ से मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल को 2-2 विकेट हासिल होते हैं। वही क्रिस मॉरिस 1 विकेट लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरे मैच के हाइलाइटेड पॉइंट थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो देखने को मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे आईपीएल के अगले मैच के हाइलाइटेड पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।